और अपने असमर्थता का ही या तो गुरु की कमी हो रही या साधक का विश्वास। और चलकर आगे बढ़ते हुए आया हूँ, मैं भी एक साधारण मनुष्य था, साधारण कुल में उत्पन्न हुआ, साधारण मनुष्य में आगे आया, लेकिन केवल साधना के बल पर जो आज आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं या ये आश्रम चल रहा है वो केवल साधना के बल पर। मेरा बाप या मेरे माँ कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई देवता है जिसके पीछे कोई साधक रखा हुआ है, केवल साधना के बल पर आगे हुआ हूं। और वही बात आपको समझा रहा हूं, इस संसार में असमर्थ जीने से भी हमारा जीना कोई काम नहीं रहता, कोई अच्छा नहीं रहता। स्वकल्याण नहीं कर सकते, लोक कल्याण की बात क्या करेंगे हम, हमारा कल्याण हमारे परिवार को ये सकते नहीं देख सकते, कैसे असमर्थता किस बात। मैं ये बात आपको समझा के सुबह कहा था कि जैसे जहां आदमी पहुंच सकेगा वह अपने खुद कर लिए नहीं जीता, वह हजारों लोगों के लिए जीता है। और सिद्धार्थ पहुंचना ये मामूली बात नहीं है, पर मुझे सत्य कि सिद्धार्थ सारा परिवार की स्थापना की गई। इसका अर्थ यह था कि एक एक साधक को वो सारी विद्याएं प्रदान करूंगा जो वह खुद के लिए न जिए बल्कि हजारों लोगों के लिए जिए। मैंने ये बात पहले भी कही, मैं कौरवों की फौज नहीं बनाना चाहता, मेरे लिए पांच पांडव बस है, रामायण के राम और लक्ष्मण जो बस है, रावण की लंका मुझे नहीं चाहिए। हमने राम बनने की क्रिया सिखाई परम पूज्य सत्यदेव जी ने, कृष्ण बनने की क्रिया सिखाई गुरु ने, पांडव बनने की क्रिया हम जरूर वनवास को सहेंगे। हम मैं जैसा कहा गुरु कड़ी परीक्षा लेते हैं, स्वर्ण जब तक सोना जब तक तपता नहीं तब तक गहना नहीं बनता, और ताप लेना उसे तपस्या कहा गया है। जब तक हम तपस्या नहीं लेते हमारे शरीर को ताप नहीं देते और गुरु के ताप को सहन नहीं करते तब तक हम स्वर्ण नहीं बन सकते, गहना बनकर भगवान को भगवान के मुकुट या गेट बनकर भगवान का गहना नहीं बन सकते। जब तक हमारे में तपस्या हमारे कण कण में नहीं छुपी हुई हो, और गुरु जिसको शिष्य को ताप नहीं दिया वो गुरु ही नहीं कहलाता, क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है कि उसको गहना बनाए। फैन के नीचे बैठकर कोई शिष्य नहीं बनता, 20 घंटे सोकर कोई गुरु नहीं है, शिष्य नहीं बनता या गुरु नहीं बनता। गुरु बनने के लिए शिष्य बनने के लिए अपने शरीर को तपस्या के माध्यम से साधना के माध्यम से तपाना पड़ता है। और यह कार्य जब तक अपने हमारे जीवन में नहीं होता तब तक हम हमारा कल्याण करते लोक कल्याण दो भी कार्य नहीं कर सकते। यह कार्य परम पूज्य सद्गुरुदेव ने साधना का मार्ग बताया है, इस मार्ग से आप चलते हुए आप अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हो। मैंने जिस पांचमाला का सिद्धांत की बात मैंने सुबह कही उसके पीछे मेरा एक ही चिंतन था, इस बार की पत्रिका जिसे निमंत्रण पत्रिका नाम का विवरण पत्रिका का कहा था उसमें मैंने यही कहा कि मैं मेरे क्षण तक करूंगा कि आपको एक सामर्थ्यवान चीज के लिए ले जाऊं। आपको पता है गत पूर्णिमा में पंचमंडी आश्रम की स्थापना मैंने यहाँ की थी। पंचमंडी आश्रम उसे कहते हैं अगर हम घोड़ा बंदर रामचंद्र ने बंदरों की सहायता से रावण को मारा था, कोल्हा जिसे कहते हैं आप उसके असर से लक्ष्मी का वास होता है, घोड़ा क्षत्रिय का वाहन है, इसी प्रकार हम जिन जिन सांप भगवान विष्णु का वाहन है, और वानर या नर कपाल और कालिका का एक आभरण है। इन पंचमुंडों पर जो आसन के ऊपर बैठता है ऐसा हो ही नहीं सकता जिसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, लेकिन वो साधक एक सिद्ध होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति विश्वास रखने वाला, अपने गुरु के प्रति मर मिटने वाला साधक हो तो उसे पंचमुंडी आसन पर बैठने का अधिकार है, चाहे उसने साधना की हो या ना की हो, विश्वास जरूर होना चाहिए। उस आसन पर जो आप इच्छा करेंगे वो पूर्ण होगी होगी, वो चाहे इच्छा कैसी भी क्यों ना, लेकिन इच्छा व्यक्त करने से पहले आपको विचार करना है। गलत अगर विचार करके आप कुछ पूछते हो तो गुरु के नाते मुझे शिक्षा देने का अधिकार मैं दूंगा, और आप लोग कल्याण करते हो तो जीवन के आखिरी क्षण तक यही जन्म है सात जन्मों तक आपका साथ दूंगा, आप अच्छा विचार करो लोग कल्याण। इस क्रिया को करने के लिए मुझे एक वर्ष तक क्या करना पड़ा, पंचमुंडी आसन पर स्वयं मान लाते हुए ताला डाल के रखा हूं, हर एक सिकंदर बिन अप्सरा जितने भी आकाश में देवता घूम रहे हैं उन सभी को मैंने आह्वान किया सिद्धाश्रम योगियों के साथ कि इस मेरे पंचमुंडी आसन को सिद्ध करो, जिनके चेतना के अंदर स्थापित किया है। अगर आज हमारे पूर्व विश्व में मैंने कहा कि केवल 18 पंचमुंडी आसन है, अगर आप तीन की बात करें तो केवल जिनके चेतना के अंदर में और इसका नंबर 21 हुआ। यहां केवल साधक ही रहेगा, गप मारने वाला प्रवचनबाजी करने वाला यहां उसका कोई स्थान नहीं,
साधना करने वाले ही मेरे साथ, तपस्या करने वाले ही मेरे साथ रहेंगे, और वो एक तपस्या करने वाला हो एक दीपक हजारों दीपकों को जलाने के लायक रहेगा और उसमें उतनी शक्ति प्रदान करने के लिए, जैसे स्वामी विशुद्धानंद जी ने अपने पूरे भारत में या पूरे विश्व में 3 नवमुंडी आसन है और 1 नवमुंडी आसन विशुद्धानंद जी का स्थापन किया हुआ विशुद्धानंद का काशी में, आज वो बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा हुआ है? क्योंकि इसी ऐसे ही व्यक्ति ने ऐसी गहरी बात करते हुए ऐसा गहरा विचार उसके ऊपर रखा था और विशुद्धानंद जी ने कहा कि ऐसे विचार रखने वाले अगर इस पर आते हैं तो ये आसन बंद कर दो, और आसन बंद है। आज अगर आसन खुलने की बात करनी चाहिए या आसन की पुनस्थापना होती है, एक बार किसी कोई घर कोई दरवाजा 1 महीने से ज्यादा दूसरा में लक्ष्मी का वास नहीं होता, फिर पुनः लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है ये शास्त्र बताता है। इस प्रकार एक आदमी खूब के रहता है, अगर उसके सांस बंद हो जाए और वो 1 महीने तक जो है 1 दिन का भी रहा तो कहते हैं तो मर गया, वैसे ही घर का वास्तु पुरुष भी मर जाता है, 1 महीना उसके उसमें घर का दिया ना जलाया जाए, 3 दिन और कंधा घर में किया जाए और आज आपको भी बताया जहां अपशगुन हुआ उस घर को तारा डाल देते। उस क्रिया को करने से पहले एक पंचमुंडी आसन ऐसा ही है जिसमें हम जागृत किए हुए मुंडन को रखा हुआ है और जिसमें केवल योगी साधु तपस्या रख लोग आकर अपना विराजमान कर अपना आसन निभाते हैं और अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आज सिद्धाश्रम की जिस बात को कह रहा हूं, मैंने गुरु जी से इस बार भी प्रार्थना की थी कि प्रभु बहुत हो गया, मैंने इन सभी लोगों के साथ बहुत लोगों के साथ साधनाएं कही, आज देखते देखते इस चेता की स्थापना के 15 वर्ष हो गए, 2000 में मैंने इस निखिल चेतना केंद्र एक छोटी सी झोपड़ी के रूप में स्थापन किया था, आज क्या आप स्थिति है आप देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह कार्य निखिल चेतना केंद्र को सारा विश्व देखें, केवल वह साधक वह तपस्या व्यक्तित्व वह देवता जो निखिल चेतना केंद्र जिससे जिस प्रकार सिद्धाश्रम में आने के लिए लालयित रह गए हैं उस तरह की क्रिया हो। मैंने कहा सिद्धाश्रम में भी अप्सराएं आती है, अप्सराओं को बुलाया जाता है, योग्य पुरुष अप्सराओं को किस प्रकार योग करता है अपने शरीर का कायाकल्प करने के लिए उपयोग करता है, ये हमारे में ही नहीं, आप अगर क्रिश्चियनिटी में लो मुसलमान में लो या किसी धर्म में लो ये लोग है और वो सहायता करते हैं। जो मनुष्य अपने पूरी तरीके से नामर्द हो जाता है या उसको एक असमर्थ व्यक्तित्व बन जाता है तब कहा है कि बड़ी साधना नाम नहीं। और उसमें एंजल नाम के नाम से जानी जाती है और हमारे पास अप्सरा के नाम से जानी जाती है। यह साधना जो सिद्ध करता है वो पुरुष कभी बूढ़ा नहीं होता, नामर्द नहीं होता, वो परी चाहती है कि मेरा पुरुष एक श्रेष्ठ व्यक्ति को बने और उस अप्सरा को सिद्ध किया जाता है कायाकल्प के लिए, और कायाकल्प किए वाला व्यक्ति 300 साल जीता है मर्द बनकर, उसको किस तरह जीना चाहिए क्या करना चाहिए शास्त्र समझाता है। शास्त्र कहता है कि किसके अप्सरा की साधना करनी है, अप्सरा की साधना भोग के लिए नहीं, आप सकले तपस्या के लिए आपका शरीर श्रेष्ठ हो। आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार दिया था देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, देवताओं को उस बुढ़ापा न आने के लिए, और वो कार्य अप्सरा के रूप में विष्णु ने भगवान मोहिनी के रूप में किया था। आज भी परियां ऊपर से आकाश से आती है, जो साधक सिद्ध करता है उसको जवान बनाकर रखती है, उसको तपस्या के लिए श्रेष्ठ बनाकर रखती है, उसके अप्सरा की साधना की जाती है। और इस पंचमुखी आसन पर अगर मैं बताऊं तो हर पूर्णिमा के दिन अप्सराएं आकर उसके ऊपर मंडरा के कौन योगी आके बैठेगा और मैं उसको इस तरह सिद्ध करूं, और मैं आज तक उसमें एंट्री होनी नहीं, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, पर पूज्य सतगुरुदेव से प्रार्थना किया है मेरा साधक कोई बूढ़ा ना हो, मेरा साधक जो कोई हो आज आने वाले 100 वर्षों तक कहे कि उसका नाम है और अपने शरीर के साथ जो कल्याण कर सकता है, ऐसी साधना। एक बात कल आपको मैं पंचमुंडी आसन पर चढ़ने की बैठने की साधना करने की आज्ञा प्रदान कर रहा हूं, तो हर पूर्णिमा और अमावस्या को भी आपको उस तत्व को प्रदान करने की इच्छा करूंगा जो अप्सरा साधना करके आज तक निराश हो गए हैं, जिनको अप्सरा प्रसन्न नहीं हुई, जिनको यक्ष भी प्रसन्न नहीं हुई, जिसको गंधर्व प्रसन्न नहीं हुआ, जिसको देवता प्रसन्न नहीं हुए। पूर्णिमा के दिन अपने शरीर को सुंदर बनाने प्रकृति का कायाकल्प करने और श्रेष्ठता को प्रदान करने के लिए यह कार्य किया जाता है, और अमावस्या के दिन दशमहाविद्या को सिद्ध करने के लिए चाहे काली काला षोडशी कोई भी हो, अगर अमावस्या के दिन हम बोले वहां बैठते हैं तो पहले तो पहले की माला में डरावने लोग आ जाएंगे, आपके शरीर का खून पीने के लिए भी लोग आ जाएंगे, जो नहीं डरा अपना गुरु का नाम लिया उसको काली सिद्ध हो गई। ऐसे इस पंचमुंडी आसन पर
आज आपको बैठने का जो अधिकार प्रदान कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में अमावस्या और पूर्णिमा में आपको बैठने का अधिकार प्रदान करता हूँ, आप अगर ये सिद्धांत साधना संपूर्ण करते हैं तो। मेरा यह कहा हुआ आपके जीवन में कभी आप ऐसी अवस्था महसूस करें या अनुभव करें कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, हम असमर्थ हो गए हैं, गुरु जी कुछ भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता, हम जीवन से हताश हो गए हैं, मेरे माँ बाप भाई बहन मेरे लिए कोई नहीं है, दोस्त नहीं है, एक ही है वो गुरु है और गुरु मार्गदर्शक है। ऐसी स्थिति में आपको उबारना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसी स्थिति में ही आपको एक मार्ग पर ले जाना ही मेरा कर्तव्य है। मैं इसलिए करता हूं, कहता हूं कि कल मैंने महाकाल भैरव साधना दी, आज सिद्धासन की साधना प्रदान कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ आपके जीवन में लंबी छोटी साधना है, क्योंकि आपकी मैंने पहले ही यात्रा इतनी बड़ी नहीं है कि आप समय मुझे दे सकते हैं, मुझे जितने कम समय में आपको कोई साधना सिद्ध करके बतानी हो तो वो साधना देनी है, क्योंकि आपकी आयु कम है और आप 100 साल 200 साल जीने के लायक बनने के लिए और बहुत समय लगेगा, उससे पहले आप सिद्ध हो, आपका शरीर सिद्ध हो और आप कुछ कर सके। जब तक इन साधनाओं के माध्यम से आप श्रेष्ठ होकर निरोगी काया को प्राप्त नहीं करते, जिसमें रोग नहीं हो, जिसमें श्रेष्ठ आपके शरीर में वो सुंदरता नहीं हो कि आप केवल आस्था देखें। मैंने इससे पहले भी बहुत बार आपको समझाया है, गुरु जी कहा करते थे साधनाएं करना है, कौन सी साधना करना है, गुरु जी अप्सरा की साधना कर रहा हूं, देखा तो दुबला पतला, मुख पर कोई मुलायम चेहरा नहीं, उसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं, और वो कहता है कि मैं अप्सरा जा रहा हूं, उसको पूछा जाए कि भाई तेरे तरफ क्या जाने वाली लड़की भी नहीं देखती, सारी छतरी तेरे को ठीक तरीके से नहीं देखती, अप्सरा क्या देखेगी, पहले से ही शरीर को सुंदर सुंदर बना, तब कहीं अप्सरा तेरे पास आई, फल नहीं है ये ये है ये इसको कोई सहायक है जो कल्याण करेगा, हमारे शरीर को हम सुंदर नहीं बनाते तो कैसे, ये बात अलग है। सिद्ध लोग जिसने इन सारी सिद्धियों को प्राप्त किया है वो अपने सिद्धियों को छुपाने के लिए अपने आप को असुंदर बना देता है, वो नहीं चाहता कि सुंदर बने, सुंदर बनाने से पहले उसके पीछे हजारों लोग हो, अगर वो सुंदर बन गया तो लाखों लोग आ जाएंगे, उसे अपनी सुंदरता नहीं रहता, वो छुपा देता है अपनी सुंदरता। यही व्यक्ति जो रहा था रामकृष्ण परमहंस, आप योगियों को गजानन महाराज हो, दयानंद स्वामी हो, इन सभी को देख सकते हैं, उन्होंने कभी अपनी सुंदरता के अपने आभा को छुपा के रखा, इसलिए वो कष्ट करने से पहले लाखों लोग उनके पीछे पड़े और ज्यादा करते हैं तो हजारों करोड़ों लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे, वो आभा को रोक के रखते हैं, अपनी सुंदरता को दिखाने नहीं देते, लेकिन असमर्थ नहीं बनना चाहिए, एक योग्य गुरु सामर्थवान स्थिति को बताना चाहते हैं, यही बात आपको समझा रहा था। एक साधना ऐसी भी है जीवन में कम संकट में स्थिति आ जाए, हमारे ऊपर कोई ऐसी अड़चन आ जाए जो हम कभी नहीं कर सकते, हमने कभी कहीं किया भी नहीं है, ऐसी स्थिति में पंचमुंडी आसन पर महाकाली का मंत्र अगर केवल एक माला करता है तो निश्चित रूप से दूसरे दिन उसके ऊपर आया हुआ संकट जा सकता है, उसके ऊपर आने वाली असमर्थता की दरिद्रता की स्थिति जान सकती है, उसके ऊपर ऋण की बाधा हो तो ऋण की बाधा चल जाती है, पैसों की बाधा हो तो पैसों की बाधा चल जाती है, या कोई मरने वाला हो तो जिंदा हो जाता है। ये बात मैं यूं ही नहीं कर रहा हूँ, जिसको कार्य सिद्ध हुई उसकी बात कर रहा हूँ और पंचमुंडी आसन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर आसन से पहले बैठते हैं तो हर बार आपको आसन को शुद्ध करना पड़ता है। हमारे उदय महाराज आपको पूजा के लिए बैठते हैं तभी से सुना छोटे जब यह पूछा वो सिद्ध होगी, ललिता त्रिपुरसुंदरी आई तब उन्होंने कहा कि माँ मैं संसार में आई हूँ, मैं पृथ्वी पर अगर बैठा जाऊं तो ऐसा पृथ्वी का कोई स्थान नहीं है जहां मैल नहीं है, कहीं ना कहीं रक्त निकले हुए खून पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं मलमूत्र विसर्जन किया हुआ है, मेरे लिए शुद्ध आसन कहां है, मैं कहां बैठूं, स्वर्ग में भी नहीं बैठ सकती, सत्य में भी अप्सराओं को भोगा गया है, इस संसार में शुद्ध कहां है कि मैं शुद्धि के आसन पर बैठना चाहती हूँ, तो ब्रह्मा और विष्णु स्वयं ने कहा कि हम भी शुद्ध नहीं है, तब केवल कहा तो शिव जी ने कहा कि अगर माँ तुम मुझे शुद्ध समझती हो तो मैं तेरा आसन बनना चाहता हूँ, आप देखते हैं छोटी सुंदरी माँ शिव जी को आसन बनाकर उसके ऊपर बैठे, तो आसन की प्राप्तता कितनी है, कोई भी मार्ग किया आप देख सकते हैं सभी सिद्धासन पर बैठे हुए, और यह सिद्धासन हमारे लिए पंचमुंडी आसन, जब पंचमुंडी आसन सिद्ध हुआ और उसके ऊपर हम बैठे तो हमारे को निश्चित रूप से सिद्धि हमारे साथ, तो पहली साधना ऐसे पंचमुंडी आसन पर,
जो महाकाली की साधना कहलाई जाती है, जिसने श्रद्धा सिद्ध किया उसके जीवन का हर क्षेत्र उज्ज्वल हुआ, उसके सामने शत्रु को किसी ने शत्रु खड़ा ही नहीं सकता। रही बात कैसे और उसकी, वो बात अलग है। ये बात है कि हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कहा करते, अरे जोशी बोले इस संसार में तो ज्यादा सिद्धियां प्रदर्शित करते गया, ये लोग बहुत खतरनाक है, तेरे को कभी छोड़ेंगे नहीं। मैंने उदाहरण इससे पहले भी आपको दिया है, गुरु जी के पास काफी साधना थी, गुरु जी के पास ज्योतिष विद्या की श्रेष्ठ साधनाएं थी। तो एक बार एक मारवाड़ी महाशय व्यापारी थे, बहुत रोते हुए आए और बोले कि गुरु जी बहुत परेशान हूं, सारा व्यापार चौपट हो गया है, एक पैसा भी नहीं है, सारी दिन से बर्बाद हो गया, मैं कुछ जी नहीं सकता, गुरु जी कुछ मेरे लिए करो, नहीं तो यहाँ मैं यहीं आपके सामने मर जाऊंगा। तब गुरु जी ने कहा कोई चिंता करने की बात नहीं, कल ऐसा कर तू दाल खरीद ले, एक 10 थैला दाल खरीद ले और फलानी दाल तुअर की दाल भरे मूंग की दाल, देखते हैं कि आज तुअर की दाल का की कीमत 90 रुपए थी। जब गुरु जी ने कहा उसको खरीद लो तो दूसरे दिन वो 200 रुपए हो गई। उसको लगा कि गुरु जी के एक दाल के खरीदने पर इतना हुआ। दूसरे दिन आया, गुरु जी मुझे बहुत मुनाफा पहली बार हुआ। तो तीसरे दिन गुरु जी ने कहा तू तो बहुत बड़ा संपन्नवान व्यक्तित्व था, अच्छे कार्य किया, दान पुण्य का कार्य भी नहीं किया, गुरु के ऊपर कभी पैसा देने की कोशिश नहीं रखा, तो ये आज कहता हूँ इसलिए भाव जो कल बढ़ने वाला है आज बोल देते हैं और अपने पास गरीब रहा हुआ ये व्यापारी बहुत श्रेष्ठ हो गया है। अब ऐसा हुआ कि लोग व्यापारियों का कांता लग गया, गुरु जी के पास कांता लग गया और हर लोग आके गुरु जी कल कौन सा भाव बढ़ने वाला है। गुरु ने कहा ये बहुत बदमाश लोग हैं, ये लोग बिना साधना के बिना कुछ करके मेरे पास अब आना शुरू कर दिए। और गुरु ने गलत बात करनी बता दी कि ऐसा नहीं होता, आज तुमने ये भाव पाया कल तो दाल का भाव उसको एकदम उल्टा चौपट हो गया, वो नुकसान हो गया और फिर बाद में होगा अरे गुरु आप बोले हो तो उसमें मुझे कुछ नहीं आया, अरे ऐसा हुआ गुरु जी बोलिए, क्योंकि गुरु जी को पता था अगर इसको एक बार इसकी चसक कर गई तो मेहनत नहीं करेगा कर्म नहीं करेगा आया रहेगा सीधा बैठेगा, आपने मुनाफा गुरु आपको 1% मेरे 2% मिलेगा, गुरु भी मुनाफा होगा और शिष्य भी मुनाफा होगा, मेहनत करने वाले दोनों भी। विद्या हो तो उसको सही उपयोग होना चाहिए, विद्या का सही उपयोग जो करता है तभी उसके पास सिद्धियां उसके साथ रहती है। और इसी कारण गुरु जी कहते हैं तेरे पास विद्या भी हो आदमी आदमी की परीक्षा कर, वो कहां तक तेरे प्रति समर्पित है, तेरे प्रति कहां तक विश्वास रखता है, जिस दिन उसका विश्वास हुआ उसकी अच्छा करने के लिए श्रेष्ठता ये प्रदान करने के लिए तेरे पास शक्ति होनी चाहिए। मैं आपको बात कह रहा हूँ पंचमंडी आसन पर बिठाने के लिए मैंने आपकी परीक्षा आज कर ली, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना किया हूँ गुरु जी ये लोग जो मेरे प्रति समर्पित है अच्छे हो या बुरे मैं उनके प्रति निष्ठावान हूँ, जिन्होंने आपकी भूषा रोकी है आपका गुरु किया है, एक बार तो उनको चषक लगा दू की इस आसन की स्थिति होती है और एक बार उनको इस चषक को लग जाए तो वे बाद में आए तो उसको बता दूंगा कि किस तरह महाकाली कैसे सिद्ध होती है पंचम के आसन पर, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके ऊपर केवल 50 बार उस मंत्र को आसन पर बैठकर किया जाए और महाकाली प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन दे, ऐसा भी मंत्र है जो सिद्धाश्रम में रखा हुआ है, इसलिए पंचमुंडी आसन या नवमुंडी आसन की श्रेष्ठता है। और वह साधना केवल अमावस्या के दिन की जाती है, लेकिन उससे पहले साधक 1000 बार उस मंत्र को बोलकर सिद्ध करना चाहिए, चाहे अपने गुरु के समक्ष अपने गुरु के सानिध्य में अपने गुरु के सामने 1000 बार उस काली का मंत्र करता है और अपने गुरु में ही काली को देखता है, वो कभी भी उस मंत्र को 50 बार अगर पंचम के आसन पर बैठकर करता है तो जीवन में कभी असमर्थ नहीं होना जाता, चाहे उसको फांसी की सजा लगी हुई हो दूसरे दिन फांसी मिट जाएगी, यह गुरु जी का कहा हुआ है। ऐसा ही उदाहरण एक बार हम इन चीजों को जब देखा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और किस प्रकार इस साधना से हम जूझते हुए आगे आए, क्या करने से हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे में इस साधनाओं के प्रति निष्ठा नहीं है गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है तो हम 1000 साल की तपस्या करें हमें साधना सिद्ध नहीं होगी। हम पहले ये विचार करना चाहिए कि मैंने गुरु जी के लिए क्या किया, मेरे जीवन में इतना जीवन कभी भी मैं गुरु जी के साथ बात जाता हूं तो मेरे लिए ही पूछता हूं, लेकिन कभी गुरु के बारे में विचार किया, और आप देखते हैं कि हर क्षण गुरु चालक पहनने वाले आपके लिए बारिश में नहीं भीगना चाहिए मेरे साधक को अच्छा भोजन मिलना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करने वाला और गुरु चालक पहनने वाला मैं मेरे गुरु को पूछता हूँ कि मेरे लिए पूजनीय है गुरु, वो मेरे आपका मेरे परिवार का सदस्य है और उनकी सुख सुविधा देखना मेरा कर्तव्य है और उस आपको भी आपके गुरु के कार्य के लिए गुरु को लेकर चलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता, गुरु जी ने जब गुरु पूर्णिमा शिविर में आए थे तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मेरे
कम से कम 450 साधक उस गुरु पूर्णिमा शिविर में काम करते, सेवा का कार्य कर रहे थे। इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े लोग थे, बहुत सारे लोग। नुमाइश कौन में जब 97 में हुई तो परमपूज्य सद्गुरुदेव जी को मैंने कहा कि गुरु जी ये मेरे सब साधक सेवक सेवा में हैं, और पहले दिन जब आए तो गुरु जी एक बार मेरे सेवकों सेवक सब लोग आपको प्रणाम करना चाहते हैं, आप उनके ऊपर आपकी दृष्टि डालें। तो गुरु जी अनमने मन से ही अपनी माता जी को लेकर वहां आए। बोल कहां है, एक हाल मैंने रखा था, 450 लोग आकर बैठ गए जो सेवा में रखे। मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी ये सब लोग सेवा में रहते हैं, कोई होटल में आपकी सेवा करता है, कोई ये साधकों की सेवा करता है, पंडाल संभालता है, कोई खाना संभालता है, इस प्रकार के सब 450 लोग आपके सामने बैठे हैं। तो गुरु जी ने कहा बोल इन सभी की क्या इच्छा है, बोल। सभी लोगों ने मुक्त कंठ से एक ही बात कही, गुरु कृपा ही केवलम, हमारे ऊपर गुरु की कृपा चाहिए। ये जोशी शिष्यों को तैयार करता है, इस तरह तैयार करता है, उसके पास सीखना चाहिए कि शिष्य कैसा बनता है। एक बार गुरु जोशी से जुड़ा हुआ साधक कभी छूटता नहीं, उसको छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसने वैसे सीख सिखाई है और उसको छोड़ता नहीं। आज मैं कर रहा हूं, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे इधर उधर कहीं भी भटके हो, लेकिन आखिरकार आएंगे मेरे ही पास, मेरे गुरु में उनकी शक्तियां है, जिस बात से उनकी सेवा कर सकते हैं, मेरे पास जरूर आएंगे। और चाहे कहीं भी भटके हुए हो, कहीं कितने गुरुओं के पास भी गए हो, लेकिन उनका आखिरी मार्ग लगेगा कि हमारा उद्धार होना है, तो हमें यही हमारा उद्धार था। मैं आपको उस दिन की गुरु जी की वह क्रिया करते हुए गुरु ने कहा था, आज बहुत सारे लोग उस दिन उस सेवा कार्यक्रम में रघुचरण जी के आपकी सेवा में आप देखते हैं वो उस दिन थे। और गुरु जी ने सभी सभा में कहा था, भरी सभा में ये बात कही थी जो सेवक था, इस संसार में अगर कुछ होना है, शिष्य बनना है तो जोशी की तरह बनो, नहीं तो नहीं बनना है, शिष्य बनना है करना। और ये गर्व हुआ कि मेरा कार्य सही तरीके से कर रहा हूं। और आज मैं अगर आपके चेहरों पर मुस्कान देखूं, आपके मुख पर प्रसन्नता देखूं, आपने स्थिति हुई है कहा है, तो इस विजय चेतना केंद्र की स्थापना में मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करूंगा और कह रहा हूं सच्चा गुरु कार्य कर रहा हूं। आपके मुरझाए हुए चेहरे अगर देखता हूं तो मैं कार्य गलत कर रहा हूं, मैं ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा हूं। मैं जिस दिन ये कहूंगा कि आप प्रसन्न हैं और आपके जीवन के हर क्षण में मैं आपके साथ, ये बात जरूर है कि वनवास तो रामचंद्र जी को भी हुआ था, वनवास तो पांडवों को भी हुआ था, द्रौपदी का भी चीर हरण हुआ था, कृष्ण भगवान ने सहायता की। ये नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में वनवास नहीं आए, लेकिन वनवास में भी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मरने दूंगा, जीत के ले जाऊंगा और घर में तुम्हें आपने यह कार्य करने की क्रिया उस दिन से आज तक भी अविरत चल रही है, अविरत चलेगी। आज जिस सिद्धासन की बात करते हुए मैं बता रहा हूं, आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण ना आए, उसके ही मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि गुरु जी उनके जीवन में कभी कष्ट के क्षण आए तब मैं अवेलेबल रहूं या नहीं रहूं, मैं उनके पास रहूं या ना रहूं, वो लोग अपनी जिंदगी आप अपने सामर्थ्य पर जी सके और लोगों को सहायता कर सके, ऐसी कोई क्रिया सुनवा। तो गुरु ने कहा कि पंचमंडी आसन पर तुम इन लोगों को किसी को भी 51 बार महाकाली का मैं एक मंत्र बताता हूं, वो मंत्र तू करवा दे, जो आज भी पंचमुखी आसन स्थापित सभी जगह यह मंत्र किए जाते हैं। और जहां एक बार यह आसन सिद्ध हो गया, कहते हैं कि उसमें रात के 12 बजे वहां जरूर घंटियों की ध्वनि आती है, सारे एक सेकंड के अंदर आकाश से उड़कर आकर पंचमुखी में आसन पर आकर आरती उतार कर जाते हैं। और वहां पंचमुखी आसन पर आज भी घंटियों की आवाज, अगर आप वर्धमान में शिवलिंग की स्थापना हुई, विशुद्धानंद जी ने स्थापना की थी, लोग उस गांव के लोग जानते हैं कि रात के 12 बजे कुछ नहीं होता, लेकिन घंटियों की आवाज आती है और वहां सिद्ध योगी आकर वहां पूजा करके जाते हैं। और एक दिन आप यह भी देखेंगे इस विजय चेतना केंद्र में भी वो आवाज जरूर सुन सकेंगे कि हम ये सब कुछ सुन रहे हैं और आपकी इच्छाएं सुन रहे हैं। मैं उस काली मंत्र को आपको देने से पहले, क्योंकि आपको पता है परीक्षा लेना इसलिए परीक्षा लेता है कि सोना खरा है या खोटा है उसको किसके देखना ही चाहता है, ये सुनार की आदत है। और गुरु की आदत यही होनी चाहिए कि शिष्य को परख कर देखें कि वो कहां तक सही उतरता है। उसको अगर एक बार कष्टों की झोली में डाल दिया जाए तो वो कहीं भटक के ऐसा तो नहीं हुआ इस गुरु से, अरे गुरु के पास काम नहीं हो रहा, मैं दूसरे गुरु के पास जाऊं, ऐसा भटकने वाला शिष्य नहीं कहलाता। अगर उसको भटकने की आदत है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोह चुंबक का
गुण मैंने पहला बताया था, लोह चुंबक का गुण है, सभी कण आपके शरीर के एक तरफ जाते हैं तभी आप आकर्षण कर सकते हैं, और आप सब लोग आपके शरीर के सारे कणों को अपने गुरु के प्रति आकर्षित करते हैं तो सारा संसार आपके सारे देवता आपके घर में होंगे और कहेंगे कि तुम्हारा काम करके मैं सिद्ध हो जाऊंगा। हर अप्सरा कहेगी कि तू अच्छा काम करता है, मैं तेरी सेवा करने के लिए रेडी हूं, मैं तुझे क्योंकि अप्सरा से वो देवता तक को बुलाती हूं। यक्ष से प्रमोशन होता है तो गंधर्व बनता है, गंधर्व से प्रमोशन होता है किन्नर बनते हैं, किन्नर से प्रमोशन होता है अप्सरा बनती है, और अप्सरा से उसको प्रमोशन मिलता है तो देवता बनती है। आपने आपको पता है मेनका जो देवताओं की वेश्या थी, अप्सरा की परी थी, उसने विश्वामित्र को सताया था, लेकिन जब शकुंतला से जन्म हुआ, लोक कल्याण गौतम महर्षि हुआ, शकुंतला का बेटा भरत की भरत नाम से पड़ा, तो उस मेनका ने बाद में मैनाक नाम के पर्वत से हिमालय से शादी की और उनकी बेटी माता पार्वती बनकर शिव जी की पत्नी बनकर आई, वो अप्सरा से देवता बन गई थी। लोक कल्याण करने वाली परी आपके ऊपर आधारित है, आप जिस साधना को सिद्ध करेंगे उस साधना का सही उपयोग करेंगे तो वो सारी वो सिद्धियां जो देने वाली देवता आपको ऐसे ही प्रशंसा करते हुए कि आपको अगली से भी बताएगी क्या करना है, और आप गलत काम करते हैं तो आपको नीचे उतार दें। इसलिए सिद्धियों का सही उपयोग होना चाहिए, सिद्धियों को सही उपयोग से आगे लेना चाहिए। मैं अगर कुछ करता हूं तो आपके विष को मैं लेता हूं, मैं किसी को आपको स्पर्श करता हूं तो आपके इस रोगों को मेरे पास ले लेता हूं और मैं इस अमृत को आपको प्रदान करता हूं। मैं आपके हर कष्ट को लेने के तैयार हूं जो मेरे प्रति समर्पित है, जो मेरे गुरु के प्रति समर्पित है, मेरे गुरु चरणों में गुरु मंत्र जब करते हुए जीते हैं और मुझ पर विश्वास रखते हैं, मैं उनको हर तरीके से मेरे शरीर का हर अंग हर एक रक्त का बूंद उन्हें प्रदान करके कहता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और आज मैं गुरु जी आपसे मैं इसलिए हिचकिचाहट कभी अनुभव नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यही देखता हूं वो मेरे पास समर्पित होकर आया है और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य। लेकिन वो अगर मेरे ऊपर अविश्वास करते हुए इधर उधर भटकने वाला है तो ये मैं नहीं है तो और हजारों दूसरे लोगों के पास जा सकता है। आशा आजकल आपको बहुत से गुरु ऐसे भी मिलते हैं, लाख रुपए दो तो आपका काम करने के लिए तैयार, लेकिन वो आपको जन्म भर के लिए सात जन्मों तक आपके गुरु नहीं बन सकते, फिर आपको दूसरे एक काम के लिए दूसरे काम के दूसरे गुरु को ढूंढना होगा या तो उस पर पैसा बढ़ाना होगा, एक लाख से दो लाख करना होगा। ऐसे गुरु नहीं बनना चाहिए, ऐसा गुरु नहीं बनना चाहिए। साधना की मार्ग पर चलने वाले हम आप गुरु पर विश्वास करके चले। आपको आगे क्या करना है मैं ये बताता हूं, उससे पहले एक बात याद रखें, हमारे आश्रम के जितने भी आश्रमवासी हैं केवल उन आश्रमवासियों को ही कल पंचमुखी आसन के गोल रखता हूं जो आज रात में ही सिद्ध करके रखेंगे, और हर साधक 3 बजे स्नान करके एक मारा गुरु मंत्र जप करने के बाद सिद्धाश्रम का मंत्र लेकर पंचमुखी आसन के पास पहुंच जाओ। 3 पंचमुखी आसन, एक पंचमुखी आसन जो दशमा विद्या में रखा हुआ है वो केवल स्त्रियों के लिए रखा हुआ, और इधर 2 आसन जो पंचमुखी कहते हैं वो पुरुषों के लिए रखा हुआ, और यहाँ 2 पंचमुखी आसन जो पुरुषों की तरफ रखे हुए हैं केवल आश्रमवासी वहां रहेंगे, और उनके परमिशन से आपको वहां एक बेल्ट रखा जाएगा, घंटी लगाई जाएगी, करेक्ट 1 मिनट देखेंगे या आधा मिनट देखेंगे, मंत्र हुआ घंटी बजाएंगे, आपको उठ के जाना हो उसके साथ झगड़ा करना नहीं, आपका मंत्र हो या ना हो आप आ जाना, आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है कि आप आसन रखते हैं, आप इच्छा बोले मंत्र बोले और वहां से हटे, क्योंकि आप सब लोग आज देख रहे थे हमारे को 3.5 घंटे लगे केवल अभिषेक का पानी डालने के लिए। उस पंचमुखी आसन पर सिद्धासन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आप बैठ कर उतर जाना है, एक तरह से जब जाना है अंदर बैठना है, इच्छा बोल लेना है, एक बार मंत्र बोलना है, उतर जाना है। ये क्रिया 3 बजे से आरंभ होगी और सुबह 6:30 बजे तक चलेगी, और इस क्रिया को करने के लिए मेरे आसन में जितने भी है श्रीरंग सुधीर अनिल छत्तीसगढ़ ये सभी लोग पंचमुखी के आसन में रहेंगे, और स्त्रियों के पास केवल स्त्रियां सभी स्त्रियां वहां रहेगी और आपको आसन पे चढ़ने और उतरने की देगी, वहां 1 घंटी बांधूंगा, वो आप एंट्री हुए बैठे और उठे तक घंटी, एक बार घंटी मारी दूसरी घंटी को आपको उठ जाना चाहिए, और नहीं है तो मेरे को ऐसा कोई शिक्षण लाओ जिसमें झगड़ा होगा।